नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शंकर की, भगवान शिव की और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों की, जो कहां कहां स्थित है उनका कुछ इतिहास मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आपके परिवार को मालूम होना चाहिए, हर सनातन धर्मी को ये मालूम होना चाहिए कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं और जीवन में जब भी मौका मिले तो एक बार इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये सिर्फ मंदिर नहीं है मित्रों, ये ऊर्जा के केंद्र हैं जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा आप आत्मसात करते हैं अगर आप वहाँ जाते हैं। तो अगर जब भी मौका मिले जरूर जाइए इन ज्योतिर्लिंगों में और वहाँ बैठकर ध्यान लगाइए और मन में बोलिए ओम नमः शिवाय, और या फिर सिर्फ आप बोल सकते हैं तो ध्यान, भक्ति, अध्यात्म के और ऊर्जा के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर यहाँ पूजा की थी और चंद्रमा को हिंदी में सोम भी कहा जाता है, इसलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। तो सोमनाथ मंदिर बहुत खूबसूरत गुजरात में समुद्र तट के किनारे है और मंदिर का प्रांगण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नक्काशी है मंदिर पर, बहुत ही अद्वितीय लगता है वहाँ जाकर, और सामने समुद्र है तो हर दिन सुबह और शाम मंदिर में भगवान शिव की आरती के साथ साथ समुद्र की भी आरती होती है। तो जीवन में अगर कभी भी मौका मिले तो गुजरात जरूर जाइए, काठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये था पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दैहिक, दैविक व भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अपने पापों को नष्ट करने के लिए अगर कभी मौका मिले तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कीजिए। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है और बाबा महाकाल कालों के भी काल हैं। तो अगर जीवन में कभी मौका मिले तो बाबा महाकाल के दर्शन अवश्य कीजिए, सारे भय दूर हो जाते हैं जब हम बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक में एक बाबा महाकाल के ऊपर बनी बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है जो ईशा फाउंडेशन ने बनाई है। आप इस वीडियो, मेरे वीडियो के बाद इस डॉक्यूमेंट्री को अवश्य देखिए। अगला है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मित्रों, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर कभी भी आपको मौका मिले तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कीजिए। अगला है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय में उत्तराखंड की पहाड़ियों पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यह श्री नर और नारायण की तप स्थली है। कहा जाता है कि जब नर और नारायण दोनों ने यहाँ तपस्या की थी, उन्हीं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यहाँ अपना वास स्वीकार किया था। तो तब से ये मंदिर यहाँ स्थित है। 2013 की भयानक बाढ़ के बाद इस मंदिर का रास्ता टूट गया था पूरी तरह से, जिसको दोबारा से बनाया गया है। और जब भी मौका मिले अवश्य यात्रा कीजिए केदारनाथ धाम की। तो चलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, यह है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। हजारों लोग हर दिन
इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगला है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की नगरी काशी में स्थित है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहाँ अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, और काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। जो भी सनातन धर्मी काशी नगरी पहुँचते हैं वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप भी जरूर जाइए, बहुत खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के प्रांगण को बड़ा किया जा रहा है, और आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि बहुत ही भव्य प्रांगण वहाँ बनेगा जिसमें कई सारी बिल्डिंग होंगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर काम चल रहा है अभी भी, तो मुझे आशा है आने वाले समय में काशी विश्वनाथ में भगवान शिव के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव होगा। तो ये था काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। माना जाता है कि ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। तो ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। अद्भुत ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, अगला है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा वैद्यनाथ को वैद्यनाथ और बैजनाथ भी कहा जाता है। यह मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल पर भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की। भगवान शिव ने अपने स्वरूप के रूप में उन्हें शिवलिंग दिया और रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन भगवान शिव ने यह कहा कि अगर इसको आपने जिस धरती पर रखा तो फिर ये वहां से नहीं हिलेगा। रास्ते में रावण को लघु शंका हुई और उसने ये शिवलिंग एक बालक को थमा दिया, और उसके बाद उस बालक ने उस शिवलिंग को वहीं रख दिया नीचे, और ये मान्यता है कि ये शिवलिंग तब से वहीं स्थित है। वो बालक कोई और नहीं, श्री भगवान गणेश थे। ये ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया, आज ये झारखंड में है। तो बाबा वैद्यनाथ और बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जैसा कि सब जानते हैं, ये तमिलनाडु के किनारे स्थित है। तमिलनाडु में समुद्र तट के किनारे रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम रावण पर चढ़ाई के लिए सेना के साथ वहां पहुंचे थे तो अपनी सेना को समुद्र पार करने से पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। तो ये वही ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर के प्रांगण में शायद 7 कुंड हैं, और उन कुंडों में मीठा पानी निकलता है। समुद्र के एकदम किनारे होने के बावजूद उन कुंडों में मीठा पानी निकलता है, ये अद्भुत चमत्कार ही है। तो मित्रों, अगला है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर सारे ज्योतिर्लिंगों में हजारों भक्तों की भीड़ जमा होती है दर्शन के लिए, और सावन के महीने में भी रेला लगा रहता है इन मंदिरों में दर्शनों के लिए। अगर आपको कभी मौका मिले जिंदगी में जाने का तो अवश्य जाइए, मैं भी जाऊँगा, और भगवान शिव की कृपा का थोड़ा सा फल अगर हमें मिल जाए तो क्या बात है। तो मित्रों, ये थी जानकारी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कि ये कहाँ स्थित हैं और इनके पीछे का छोटा सा इतिहास मैंने बताया। भगवान के बारे में क्या कहूँ, उनकी महिमा तो अपरंपार है। तो चलिए, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।